वेलकम माय डियर फ्यूचर लविंग नर्सिंग ऑफिसर। आज हम देखेंगे दोस्तों मोस्ट ट्रेडिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो माइक्रोबायोलॉजी का है। दोस्तों ये किसी भी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के लिए स्पेशल है। मैं जो डिस्कशन करूंगा ये हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी पार्ट 3 है। दोस्तों अगर चैनल को दोस्तों आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। डिजीज दैट इफेक्ट्स मेनी पीपल एट डिफरेंट कंट्रीज इच टर्म इज ए ऑप्शन स्पोराडिक, बी ऑप्शन पैंडेमिक, सी ऑप्शन एपिडेमिक, डी ऑप्शन एंडेमिक। तो इसका आंसर होगा पैंडेमिक दोस्तों। ओके, डिजीज एक जैसे अभी कोरोना वायरस का चल रहा है, एक पहला ये चीन में स्टार्ट हुआ, चाइना में, उसके बाद थ्रू आउट द वर्ल्ड को क्या हुआ, वो स्प्रेड होने लगा, उसी इसलिए इसको पैंडेमिक डिजीज बोल के बोला गया। इफ द वेक्टर ट्रांसमिट द इन्फेक्शन मैकेनिकली दे आर कॉल्ड ए बायोलॉजिकल फैक्टर, बी मैकेनिकल फैक्टर, सी बायोलॉजिकल रियर व्यूअर, डी ऑप्शन में बोथ ए एंड सी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों मैकेनिकल फैक्टर, इसको जरूर याद रखिए, ये होगा इसका राइट आंसर। उसी बात दोस्तों देखेंगे इफ ए पर्सन कैन बी इन्फेक्टेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड टिश्यू ऑफ एनदर पर्सन इट इज टर्म ए इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन, बी अटैचमेंट, सी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन, डी नॉन ऑफ दी। तो 85 का आंसर क्या होगा दोस्तों, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन, इसको जरूर याद रखना है दोस्तों, इसको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे 89 में द लेथल डोज रिक्वायर टू किल 50% ऑफ द लैब एनिमल टेस्टेड अंडर स्टैंडर्ड आर कॉल ए लेथल डोज आईडी, अनदर द एलडी 50, एलडी आईडी 50, अनदर द एमएलडी। तो 89 का आंसर क्या होगा दोस्तों, 89 का आंसर होगा बी, उसको लेथल डोज 50 बोला जाता है, इसको जरूर आप लोग याद रखिए। दूसरी बात दोस्तों देखेंगे 90 में द मोस्ट इंपोर्टेंट विरुलेंस फैक्टर्स आर ए एडहेजन, बी इनवेसिवनेस, सी टॉक्सिजेनिसिटी, डी एंजाइम्स, ई ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ये होगा ऑल ऑफ द एबव। ऑल ऑफ द एबव होगा दोस्तों, इसको जरूर आप लोग याद रखिए। उसके बाद दोस्तों देखेंगे द एबिलिटी ऑफ ए पैथोजन टू स्प्रेड द हॉस्ट टिश्यूज आफ्टर एस्टैब्लिशिंग द इन्फेक्शन इन ओडे, ई एडहेजन, बी इन्वेसिवनेस, सी टॉक्सिजेनिसिटी, डी नॉन ऑफ दी। तो इसका आंसर क्या होगा 91 का, बी होगा दोस्तों। ओके, इसको जरूर आप लोगों को याद रखना है, इन्वेसिवनेस। उसके बाद दोस्तों देखेंगे 92 में दोस्तों देखेंगे व्हिच इज द फॉलोइंग एंजाइम एक्ट इज ए स्प्रेडिंग फैक्टर, ए हायलुरोनिडेज, बी क्वागुलेज, सी कैटालेज, डी में डीएनएज। तो 92 का आंसर क्या होगा दोस्तों, हायलुरोनिडेज दोस्तों, इसको जरूर आपको याद रखना है, इसको जरूर आप लोग याद रखिए। विब्रियो कोलेरा वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, ये रॉबर्ट कोच, बी मेडचिनकॉफ, सी जोनसो, डी विर्चो। तो 93 का आंसर क्या होगा दोस्तों, मेडचिनकॉफ, इसको जरूर याद रखना है, इसका होगा राइट आंसर। इसेरिचिया कोलाई वाज फर्स्ट आइसोलेटेड बाय लुईस पाश्चर, इसेरिक, सीगा एंड डी रॉबर्ट कोच। तो 94 का आंसर क्या होगा दोस्तों, बी ऑप्शन होगा, इसेरिचिक। ओके, इसको जरूर याद रखना। माइकोबैक्टेरियम ट्यूबरकुलोसिस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट कोच, बी एडवर्ड जीनर, सी लुईस पाश्चर, डी नॉन ऑफ दी दोस्तों। तो 95 का फर्स्ट होगा रॉबर्ट कोच, इसको जरूर याद रखना है दोस्तों। माइकोबैक्टेरियम लेप्री वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट कोच, हंसन, सी एडवर्ड जीनर, डी लुईस पाश्चर। तो इसका आंसर है हंसन, इसीलिए माइकोबैक्टेरियम लेप्री और लेप्रोसी को हंसन डिजीज नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, इसको जरूर याद रखना। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया वाज आइसोलेटेड बाय रॉबर्ट कोच, बी एडवर्ड जीनर, सी एंटोनी वॉन लीवेनहुई, डी लुईस पाश्चर दोस्तों। तो 97 का आंसर क्या होगा, लुईस पाश्चर। ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से कौन आइसोलेट किया था, लुईस पाश्चर दोस्तों। तो इसका ये राइट आंसर है।
बासिलस अंथासिटा द आइसोलेटेड बाय ए लुइस पाश्चर बी रॉबर्ट कू सी एंटोनी वॉन लीवेनहोए डी नॉन ऑफ दी। तो 98 का आंसर क्या होगा दोस्तों, रॉबर्ट को, इसको जरूर याद रखना है। उसके बाद दोस्तों 99 में देखेंगे स्टेफलोकोकस ओरियाचुआ आइसोलेटेड बाय ए रोजेनबर्ग बी लुइस पाश्चर सी पेसेट डी सर अलेक्जेंडर ऑक्सटॉन। तो 99 का आंसर क्या होगा दोस्तों, स्टेफलोकोकस ओरियस कौन आइसोलेट किया था, लुइस पाश्चर। इसको भी जरूर याद रखना है दोस्तों, ये होगा इसका राइट आंसर। सीडोमोनास अरुजिनेसा वाज फर्स्ट नेम स्क्रूटर एंड ग्रेसार्ट रॉबर्ट कुक लुइस पाश्चर एडवर्ड जीनोन। तो 100 का आंसर क्या होगा, स्क्रूटर एंड ग्रेसार्ट, इसको जरूर याद रखना, ये होगा इसका राइट आंसर दोस्तों। 101 में देखेंगे ट्रिपोनिमा प्लेडियमा डिस्कवर्ड बाय ए रॉबर्ट कुक बी चाउडिन एंड हॉफमैन सी लुइस पाश्चर डी एडवर्ड जीनोन। तो 101 में आंसर क्या होगा दोस्तों, सुडिन एंड हॉफमैन, इसको जरूर याद रखना, इसका है राइट आंसर। उसके बाद दोस्तों देखेंगे नाइजीरिया गनेरी वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय नाइजीरिया इन 1879 पाश्चर इन 1878 रॉबर्ट कुक नॉन नोबी। तो 102 का आंसर क्या होगा दोस्तों, इसको जरूर याद रखना है। तो इसका आंसर होगा नाइजर, इसको नाम था अल्बर्ट नाइजर इन 1879 दोस्तों, क्योंकि नाइजीरिया को रिएक्ट है गोनो को का इसको बोलते हैं और गोनो को कुछ भी बोल सकते हैं, ग्राम नेगेटिव डायप्लो को का ही बैक्टीरिया है दोस्तों, इसको जरूर याद रखना है। आंसर होगा ये ऑप्शन। ऑरेंज फैक्टर ऑफ द ब्लड वाज डिस्कवर्ड बाय ए लुइस पाश्चर बी लैंस्टिनन एंड वेनर सी जांस्की डी मोस ई नॉन ऑफ दी। तो 103 का आंसर क्या होगा दोस्तों, लैंस्टिनन, ओके कार्ल लैंस्टिनर बोला जाता है, आरएच फैक्टर को डिस्कवर किए थे, ये होगा इसका राइट आंसर। ट्रिपोनिमा प्लेडियम वाज डिस्कवर्ड बाय चाउडिन एंड हॉफमैन बी लुइस पाश्चर सी बुर्गे डी लिनेक ई नॉन ऑफ दी। तो 104 का आंसर क्या होगा, चाउडिन एंड हॉफमैन दोस्तों, इसको जरूर याद रखिए। 105 में दोस्तों फ्लोरोसेंट सब्सटेंस यूज्ड इन फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी आर क्विनोन सल्फेट बी ओरामिन सी ऑल ऑफ दिस डी नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, मीन क्विनोन सल्फेट भी व्यवहार किया जाता है और ओरामिन भी व्यवहार किया जाता है। थैंक यू। अगर चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।